अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल हैं आप सब? कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये है आज चांद रात की शाम। तो अभी मैंने तैयारी ईद की स्टार्ट कर दी और ये यहाँ पर मैंने ईद के लिए पूरा घर रेडी कर दिया। यहाँ सब चीज़ें मैंने सजा दी और उसके बाद अब मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए। और मैंने मटन निकाल के रख लिया, उसके बाद उसको चढ़ा दिया और मैं आज बनाऊंगी मटन कोरमा। मैंने कोरमा चढ़ा दिया, प्याज वगैरह निकाल लिए फ्राई कर। तो इसी तरह से मैं सारे खाने वगैरह आज ही रात दो तीन बजे तक बना कर रेडी हो जाऊंगी ताकि हम सुबह की नमाज़ के लिए जल्दी से रेडी हो जाएँ। तो आपने पिछला व्लॉग मेरा देखा होगा तो वो मैंने लगा दिया है, तो आप देख लीजिए उसमें पूरा ईद का है किस तरह से हम ईद पढ़ने गए। तो ये उसी रात का है लेकिन मैंने वो नहीं लगाया। पहले मैंने आपको ईद और नमाज मस्जिद हम कैसे जाते हैं क्या है, तो वो मैंने वो वाली वीडियो लगा दी, आप देखिए ज़रूर। तो फिर इसके बाद साथ साथ मैंने कोरमा भी चढ़ाया हुआ है और यहाँ ईद के लिए मीठा भी बना रही हूँ ताकि कल सुबह सब आए तो ये सब मीठा खाएं। तो मैंने यहाँ सब डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद इसको सजाकर मैं अब इनको सबको फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह कोरमा भी मेरा तैयार हो गया। तो ये सब तैयार होने के बाद इन सबको मैं बनाकर रख दूँगी फ्रिज में ताकि कल मेरे लिए आसानी हो जाए। तो इधर मैंने बेटी से कहा कि जाओ तुम रेडी हो जाओ, अभी 3 बज रहे हैं रात के, तो वो रेडी हो रही है ताकि सुबह हमें 5 बजे 5:15 बजे के टाइम निकलना होगा सुबह नमाज के लिए। तो इसलिए हम लोग रात पूरी रात जगे हुए होते हैं और अपने घर की तैयारी और खाना वगैरह बनाते हैं जैसे सब करते हैं। तो उसने मेहंदी वहंदी लगा ली, मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट्स में, तो मैंने सब मेहंदी वगैरह लगा के उसको पहले ही रेडी कर दिया। और ये देखिए माशाल्लाह यहाँ मटन कोरमा भी हमारा शाम का क्लिप है। तो मैं अब बना रही हूँ माना मंदी और मैंने कहा कि राइस में गरम गरम ही बनाऊँगी मेहमानों के लिए। तो अब मैं इसे बनाना स्टार्ट कर दिया, तकरीबन ये बन गया और ये बना रही हूँ मैं मंदी, कबाब मंदी। तो आप देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ। तो ये मैं बनाकर इसको सजाऊँगी और बड़ी थाल में इसको डिश आउट करूँगी जिस तरह। यहाँ सब मेहमान आ गए थे, अब हमने यहाँ लगा दिया डिनर और हम सब डिनर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी आए हमारे साथ डिनर करें। तो
बेटा ये बड़ा वाला बिछा ले ना, इतना छोटा सा बड़ा वाला बिछा ले ना। ये हैं इकरा हानिया, मेरी दोस्त की बेटियाँ। तो ये हमारे लिए लेकर आई हैं गिफ्ट, और ये देखिए अब यहाँ बच्चों को ईद की तकसीम हो रही है। तो बच्चे आपको पता है ईद के बाद कितना खुश होते हैं, इस ईद पर सबको ईद चाहिए होती है बच्चों को। तो इनकी खुशी देखें माशाल्लाह। यहाँ मैंने चाय बना ली और अब मैं सबको चाय दूंगी, सब चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे। उसके बाद वो लोग 2 बजे 1:30 बजे के टाइम चले गए, और अब मैंने सारे किचन की क्लीन कर लिया, सारा किचन क्लीन करने के बाद अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।